नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। कांग्रेस ने स्वामी को कहा परमाणु विखंडनीय सामग्री। कांग्रेस ने विवादास्पद भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को सत्तारूढ़ दल द्वारा संसद में लाई गई परमाणु विखंडनीय सामग्री करार देते हुए उन पर परोक्ष हमला किया और कहा कि इसे तो फटना ही है। पार्टी प्रवक्ता कपिल सिब्बल ने स्वामी का नाम लिए बगैर कहा कि वे परमाणु विखंडनीय सामग्री संसद में लेकर आए हैं, इसे वहां रखा है, ये उन पर ही फटेगा। जेटली इस विस्फोट को महसूस कर रहे हैं। जेटली आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों पर स्वामी के हमलों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि संप्रक शासन के दौरान ऐसी चीज कभी भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब स्वामी के हमलों को प्रधानमंत्री द्वारा नामंजूर करने का क्या मतलब रह गया है। अमेरिकी सीनेटर ने की भारत के लिए वीजा बंद करने की मांग। अमेरिका के एक शीर्ष सीनेटर ने ओबामा प्रशासन से कहा है कि वो भारत और चीन समेत 23 देशों के नागरिकों को प्रवासी और गैर प्रवासी वीजा जारी करना बंद कर दे। सीनेटर ने आरोप लगाया कि ये देश अमेरिका से अवैध प्रवासियों को वापस लेने के मामले में सहयोगात्मक रुख नहीं दिखाते हैं। रिपब्लिकन सीनेटर चक ग्रेसले ने गृह सुरक्षा मंत्री जे जॉनसन को लिखे एक पत्र में कहा, हथियारों समेत खतरनाक अपराधियों को हर दिन छोड़ा जा रहा है क्योंकि उनके अपने देश उन्हें वापस लेने में सहयोग नहीं करते। सीनेट के न्यायिक समिति के अध्यक्ष ग्रेसले ने कहा कि इस समय अमेरिका ने 23 देशों को असहयोगी करार दिया हुआ है। इनमें 5 शीर्ष हटी देश क्यूबा, चीन, सोमालिया, भारत और घाना है। योग दिवस के आलोचकों को भुगतने होंगे दुष्परिणाम। ऑर्गेनाइजर योग दिवस और उसके प्रचार की आलोचना करने वाले धर्मनिरपेक्ष लोगों को आड़े हाथों लेते हुए आरएसएस समर्थक एक पत्रिका ने कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित विरोध करने वाले लोगों को इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे, जिनमें उनका राजनीतिक खात्मा होना शामिल है। ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में कहा गया, दुर्भाग्यवश राजनीतिक रूप से उल्टे लटके लोग नहीं समझ पाएंगे कि शीर्षासन अस्वाभाविक जीवन शैली से पार पाने का एक अप्राकृतिक तरीका है। उसे निश्चित समय से अधिक करने और वो भी अवैज्ञानिक तरीके से करने से कई दुष्परिणाम हो सकते हैं।